हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जनरल साइंस के बारे में। तो इसमें हम लोग कितने चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं अभी तक? 22 चैप्टर देख चुके हैं। 22वां चैप्टर कौन सा था? जंतु एवं पादपों में जनन से संबंधित। अभी 23वां चैप्टर है मानव शरीर में पाचन, श्वसन और उत्सर्जन तंत्र। आपको बता दें, ये जितने भी पिछले लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं कर चुके हैं, ये सभी आपको जनरल साइंस की सूची में मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में समान क्रिया वाले सहयोगी अंगों के समूह को क्या कहते हैं? तंत्र, सिस्टम। पोषक पदार्थों की इकाइयां आपस में किस बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं? निर्जलीकरण बंधों द्वारा। आहार नाल का पहला भाग कौन सा है? मुख गुहा। आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत। ठीक, आगे बात करते हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तालू। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बॉन्ड्स। जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का पता चलता है? मीठे स्वाद का। जीभ के पश्चिम भाग से किस स्वाद का पता चलता है? कड़वे स्वाद का। खट्टे स्वाद का आवाज जीभ के किस भाग से होता है? बगल के भाग से। आगे के भाग से, अग्रभाग से मीठे स्वाद का पता चलता है, पश्चिम भाग से कड़वे स्वाद का, और खट्टे स्वाद का आभास होता है जीभ के बगल के भागों से। मनुष्य के दांत कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत गर्त दंती, द्वारक दंती, द्वार दंती, तथा विषम दंती के प्रकार के होते हैं। गर्त दंती से क्या तात्पर्य? दांत जबड़े की हड्डियों में धसे रहते हैं। द्वार दंती से क्या तात्पर्य? दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। विषम दंती से क्या तात्पर्य? दांत एक से अधिक प्रकार के होते हैं। मनुष्य के जबड़े में कुल कितने दांत होते हैं? 32। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। आगे बात करते हैं। कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसा रचना क्या कहलाती है? एपिग्लोटिस। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में। ग्रास नली कहाँ खुलती है? आमाशय में। ग्रास नली की दीवार में संकुचन और सिकुड़न को क्या कहते हैं? क्रमांकुचन। आमाशय कहाँ स्थित होता है? उदय गुहा में बाईं ओर। आमाशय के कितने भाग होते हैं? अग्र भाग, कार्डियक, बीच वक्का भाग, फोंडिक, पश्चिम भाग, पाइलोरिक। आमाशय की लंबाई कितनी होती है? लगभग 30 सेंटीमीटर। आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या तात्कार है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करना। छोटे आंत का प्रारंभिक भाग किस तरह का होता है? अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह। छोटी आंत का यू के आकार वाला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी। ग्रहणी की लंबाई लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? छोटी आंत में। आगे बात करते हैं। बड़ी आंत के कौन से भाग होते हैं? कोलोन तथा मलाशय। छोटी आंत तथा बड़ी आंत को जोड़ने वाली नली को क्या कहते हैं? सीकम। सीकम के शीर्ष पर अंगुली जैसी संरचना क्या कहलाती है? अपेंडिक्स। मनुष्य की आहार नाल में कौन सा अवशोषी अंग होता है? अपेंडिक्स। मनुष्य की लार में मुख्यतः कौन से अवयवी पदार्थ होते हैं? लगभग 90% जल तथा 1% एंजाइम। आगे बात करते हैं। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार देख लेते हैं। ये आविष्कार हो गए, तिथि हो गई उनकी, आविष्कारक और देश। आयुर्वेद, ये 2000 से 1000 ईसा पूर्व में आते भारत में हुआ, आते थे इसके आविष्कारक। पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 660 से 370 ईसा पूर्व, हिप्पोक्रेटस यूनान के थे। योग 200 से 100 ईसा पूर्व में इसके आविष्कारक थे पतंजलि।
भारत में हुआ है। अष्टांग हृदय ये हैं 555 ईसवी में वाग्मठ, इसके आविष्कारक थे भारत के। सिद्धयोग 750 ईसवी, बृहद्कुट इसके आविष्कारक थे, ठीक है, भारत में। शरीर विज्ञान की मेव 1316 ईसवी में मोडिनो इटली के थे। रसायन चिकित्सा 1493 से 1541 पैरासेल्सस स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, लार में मुख्यतः कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन तथा लाइसोजाइम। यकृत वजन लगभग कितना है? 1.5 किलोग्राम से 2.0 किलोग्राम के मध्य। यकृत के निचले भाग में स्थित थैली को क्या कहते हैं? पित्ताशय। पित्त के किस प्रकार का द्रव होता है? पीले रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान क्या है? 7.7, 7.7 पी। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने पित्त बनता है? 700 से 1000 मिलीलीटर। अग्न्याशय क्या है? आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घिरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मानव विकारों के, ये विकार हो गए प्रभावित अंग। अर्थराइटिस गाउट से कंगाल तंत्र प्रभावित होता है। गाउट जिससे संधियां कंगाल तंत्र होता है। अस्थमा श्वसन तंत्र। गंजापन त्वचा व सिर। कैंसर सभी तंत्र। डेंडफ त्वचा। डायबिटीज मधुमेह पाचन एवं अंतःस्रावी तंत्र। डिसलेक्सिया तंत्रिका तंत्र। पोस्टेट का बढ़ना मूत्र प्रणाली। एपिलेप्सी इपीलेप्सी मस्तिष्क फ्रैक्चर। कंगाल तंत्र पित्राशय की पथरी पाचन एवं पित्राशय। हृदयघात हृदय। हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप। रुधिर परिवहन तंत्र माइग्रेन तंत्रिका तंत्र। ऑस्टियोपोरोसिस अस्थियां। पार्किंसन रोग तंत्रिका तंत्र। टेनिस एल्वो पेशियों व कंगाल तंत्र। अल्सर पाचन तंत्र, ठीक है। आगे बात करते हैं मुख्य ग्रंथियां देखते हैं। मुख्य ग्रंथियां इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स। हाइड्रेरियन नेत्रों में स्राव और चिकनाई प्रदान करती है। यूटिकुलर ग्रंथि कॉकरोच एवं कीटों के मदा जननांगों में होती है। श्लेष ग्रंथियां मेंढक की त्वचा में म्यूकस स्राव करती हैं। व्यूनस ग्रंथियां एक कसीरो प्राणियों के यूडिनम में सक्सस एंटीरेकस स्राव करती हैं। पैराटिक ग्रंथियां भेड़ मेंढक में वेसली ग्रंथियां हैं। पोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक होती हैं। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक होती हैं। बार्थोलिन ग्रंथियां स्तनियों के मादा जननांगों का ऊपर समान सहायक होती। पेरिनेयल ग्रंथि खरगोश में गंध ग्रंथि है। आगे बात करते मेहलिस ग्रंथि लिस फीता कृमि एवं यकृत कृमि के जननांगों से संबंधित है। फेलिक ग्रंथि तिलचंटे के नर जननांगों की ग्रंथियां है। कोलेटीरियल ग्रंथि मादा तिलचंटे चट्टे के जननांगों के श्रावण सावन उथि का निर्माण। वाइटेलाइन ग्रंथियां प्लेटी हेल्मी निंथिस प्राणियों के जननांगों में। फीमोरल ग्रंथि रेप्टाइल प्राणियों की जगहों पर पाई जाती है। आंत ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों की आंत में। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। स्वेद ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां हैं। स्वयं रेडन ग्रंथियां मेंढक में स्पाइनल के दोनों ओर स्थित रहती हैं। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का श्रावण करती हैं। आगे बात करते हैं सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों के ही कर्ण गुहा में मोम समान पदार्थ स्रावित करती हैं।
लेक्राइमल ग्रंथियां नेत्रों में होती हैं। डीप ग्रंथियां संयुक्त नलाकार ग्रसनीय ग्रंथियां म्यूकस स्रावित करती हैं। भौन ग्रंथियां स्तनियों के नेत्रों में विशेष प्रकार की श्वेत ग्रंथियां हैं। टॉर्सल ग्रंथियां रूपांतरित वसा ग्रंथियों को जो स्तनियों की कड़वाह में पाई जाती हैं। रुधिर ग्रंथियां केंचुए के ग्रसनीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एग्रीगेट ग्रंथियां यह मुख्यतः आंत के इलियम में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिए। आप आगे बात करते हैं। एल्बुमिनस ग्रंथियां ये मनुष्य के आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियां जो विशेष द्रव पदार्थों को स्रावित करती हैं, जिसमें मुख्य एल्बुमिन होता है। लास्कास ग्रंथियां या ग्रंथियां कॉक्सीजियल शीर्ष पर पाई जाती हैं। भारतवर्ष में जीव वैज्ञानिक क्रांतियां हरित क्रांति भोजन उत्पन्न करने हेतु, सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पन्न करने हेतु, सिल्वर क्रांति अंडों के उत्पादन हेतु, नीली क्रांति मछली उत्पादन हेतु, पीली क्रांति तेल उत्पादन हेतु। ठीक है, आगे बात करते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ स्थित है? अग्नाशय में। लैंगरहैंस की द्वीपिका में कौन से हार्मोन निकलते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागन तथा सोमेटोस्टेटिन। अग्नाशय का रस का पीएच मान क्या है? 7.5 से 8.3 तक। अग्नाशय का रस होता है अग्नाशयी रस, पीएच मान होता है इसका 7.5 से 8.3 तक। अग्नाशय रस में कितने एंजाइम होते हैं? मुख्यतः 5, टेप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, माल्टेज। मनुष्य में पाचन की क्रिया विधि भोजन की पाचन क्रिया विधि मुँह से प्रारंभ होती है। भोजन को चबाते समय मुँह में स्थित लार ग्रंथियां भोजन पर क्रिया करती हैं और कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देती हैं। इसके बाद यह ग्रसनी में जाती हैं, जहां 1 सेकंड से भी कम समय रुक कर ग्रसिका में पहुंचती हैं। आमाशय मस्क के आकार का मांसपेशियों का बना एक थैला होता है, जहाँ इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे पाचक रस मिल जाते हैं जो भोजन को अर्ध तरल में बदल देते हैं। 3-4 घंटे भोजन आमाशय में रहता है, जहाँ अनेक क्रियाओं के बाद यह ग्रहणी में पहुँचता है। यह छोटी आंत का 25 से 30 सेंटीमीटर पहला भाग होता है। यहाँ भोजन के मिश्रण में एंजाइम और अग्नाशय पित्ताशय और आंत की दीवारों में स्थित ग्रंथियों के पाचक रस मिलते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत में आगे बढ़ता है। कुंडली के आकार की मांसपेशी की यह नली लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, एलियम। लगभग 5 घंटे तक यहाँ पाचन क्रिया जारी रहती है और भोजन चीनी इमीनो अम्लों और वसा में टूट जाते हैं। यहीं पर अंगुली जैसी संरचनाओं द्वारा पोषक तत्व रक्त तक पहुँचाए जाते हैं। रक्त परिसंचरण द्वारा ये पोषक तत्व शरीर के समस्त भागों में पहुंच जाते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत लगभग 1.8 मीटर लंबी होती है। यहाँ पाचन क्रिया नहीं होती है, बल्कि भोजन के पानी का अवशोषण कर ठोस मल गुदा द्वारा उत्सर्जन होता है। मल में अपचा भोजन आंत की दीवारों से गिरी कोशिकाएँ, पित्त लवण और यकृत मल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मानव आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन क्रिया का संरक्षण। मुँह स्राव करता है ये स्रोत लार ग्रंथियां, लार एंजाइम टाइलिन, लार एमाइलेज, पोषण पदार्थ स्टार्च, पाचन के उत्पाद डेक्सटिन। तरह ग्रसिका कोई भी नहीं, डेक्सटिन माल्टोज में बदलता है। तरह आमाशय जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय का अस्तर पित्त यकृत करता है। यहाँ पेप्सिन एंजाइम पोषण पदार्थ प्रोटीन प्रोटीओज और पेप्टोन में बदलता है। वसाओं का वायसीकरण भोजन क्षारीय हो जाता है। फिर ग्रहणी अग्नाशय रस निकलता है यहाँ से। एमाइलेऑक्सिन अग्नाशय एमाइलेज
स्टीपसन लाइपेज न्यूक्लिक एजेस टेप्सिन स्टार्च डेक्सटेन डेक्सटेन माल्टोज पायसिकत वसा वसा अम्ल ग्लाइकोल न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक ऑक्टाइड प्रोटीन प्रोटीओज पेप्टोन पेप्टाइड और अमीनो अम्ल दूध का केसिन ये होता है क्राई टेप्सिन दूध का केसिन फेरा केसिन केसिन दही कार्बो कार्बोक्सी पेप्टा पेप्टाई डेजेस पेप्टाइड लघुतर पेप्टाइज अमीनो अम्ल में बदलता है फिर इलियम आतरस निकलता है यहाँ से माल्टेज सुक्रोज लैक्टोल लाइपेज पेप्टा पेप्टाइड डेज न्यूक्ल एजेस तो ये माल्टेज माल्टोज और ग्लूकोज में बदलता है सुक्रोज सुक्रोज ग्लूकोज और फैक्टोज में लैक्टोज है जो लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में लाइपेज पायसिकत वसा वसा अम्ल और ग्लाइस रोल पेप्टा पेप्टाइडेजेस प्रोटीन और पेप्टाइड अमीनो अम्ल न्यूक्ल एजेस एजेस न्यूक्ल ओटाइड फॉस्फेट राइबो राइबोज शर्करा नाइट्रोजनी आधार कोलोन कोई नहीं माला से कोई नहीं ठीक है तो चलिए थे हमारे मानव मानव शरीर में पाचन तंत्र श्वसन और उत्सर्जन तंत्र देख लिया हमने ठीक है अब 24वां चैप्टर रहेगा हमारा श्वसन तंत्र से संबंधित ठीक है याद रखिए।